नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समोच्च रेखाओं के द्वारा उतावच निरूपण में आएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर एक डायग्राम शीट के ऊपर आपके दो बनते हैं जिसमें 12 सेमी का बॉक्स, और 12 सेमी का बॉक्स बनाने के लिए बताया था आपको कि 12 सेमी इस तरफ और 8 सेमी इस तरफ, यानी कि चौड़ाई इसकी रखनी है। 8 सेमी की चौड़ाई आपने इसकी रख देनी है। इसके बाद में आप यहाँ 12 सेमी का ऊपर की तरफ निशान लगाकर 8 सेमी इस तरफ भी इसे मिला देंगे। इसके बाद में आप इसे 12 सेमी को 12 सेमी बराबर इक्वल कर देंगे। इसके बाद में इसमें जो निशान लगाने थे वो हमेशा ही अपने कितने रखते हैं, 3, 6, आप अपने सीट के अकॉर्डिंग जो है वो रख लेना। यहाँ आप हाफ हाफ सेमी के निशान लगाओगे, हाफ फिर कंप्लीट फिर हाफ, यानी हाफ हाफ पे आपने 7 या 8 निशान लगा लेने हैं। ठीक है, अब इसको आप एक बॉक्स का रूप दे दीजिएगा। कोशिश रखिएगा ऊपर नीचे में देख के उसके बाद में बिल्कुल बराबर लाइन आप खींचिएगा। इतना काम करने के बाद में आपने यहाँ पर लाइन खींचनी है, लेकिन उससे पहले आपने रिवर बना देनी है, और जो रिवर है वो इन साइज मियांडर। अब आप यहाँ पर रिवर बनाएंगे तो रिवर के लिए आपको पहले एक जो है वो इस प्रकार से आकृति बनानी होगी, ऐसा आकार से लगना चाहिए कि आपने एक नदी बनाई है, और इस प्रकार इसमें आप दिखा सकते हो, नज़दीक भी नहीं होना चाहिए इसमें, और बराबर दूरी पे ये एक रिवर बना देनी है। इसमें वाटरफॉल भी दिखा देना है आपने इस प्रकार से, ताकि देखने वाले को फील हो कि ये एक नदी है। हो गया, एक सर्पिलाकार नदी बन गई आपके सामने, और आपने बनाना है एक मियांडर। इसमें जो आप समोच्च रेखाएं खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार से हो, एक तो इसके नीचे से क्रॉस होती हुई, सबसे जो नज़दीक वाली समोच्च रेखा है वो इसके नीचे से क्रॉस होती हुई आपको दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे से क्रॉस होती हुई थोड़ी सी, ठीक है, इस प्रकार से इसके नीचे से क्रॉस होकर रिवर के, ठीक है, क्योंकि स्थल भाग है नीचे की तरफ, इसीलिए मैं समोच्च रेखा को इसके जस्ट नीचे से क्रॉस करा रहा हूँ। हालांकि आप इसके अंदर से क्रॉस हल्की लाइन करके दिखा सकते हो। इसके बाद में समोच्च रेखा को यहाँ से कुछ इस प्रकार से, और फिर इसमें से क्रॉस करके, और फिर इसको ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे ही समोच्च रेखा को एक और को इस तरफ का ये रूप दे रहा हूँ मैं, ऐसे ही समोच्च रेखा एक और, ये इस तरफ का हो गया। ऐसे ही आपने इस तरफ भी इसको क्रॉस करवाया था ना, ये इसको यहाँ से जस्ट इसके पास में, और ये इसके अंदर, और इसमें से वापस बाहर की तरफ, और ये लास्ट वाली जो इसके बाहर से आई है वो इसमें से दिखाकर यहाँ गायब हो जाएगी, और यहाँ से वापस दिखेगी, और यहाँ से इस तरफ, ठीक है। ये समोच्च रेखाएं मैंने अभी गिनती की खींच दी है। इसके बाद में आप यहाँ पर एक और दिखाना चाहो तो यहाँ पर भी दिखा सकते हो, जो इधर भी दिखा देना। अब आप इनमें मान लिखोगे, रिवर के जस्ट पास वाली का मान सबसे कम होता है, क्योंकि रिवर हमेशा गहरे भागों में चलती है। इसका मान आपने लिख दिया कितना, एक जगह से इरेज कर लेना ताकि इसमें मान आप लिखो तो अच्छा लगे। इसमें मान लिख दिया हमने 200, रिवर के जस्ट पास में 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, और ये 500 मीटर। ऐसे इनका मान बिल्कुल इधर आ जाएगा, ये 500 मीटर, ये 400 मीटर, ये 300 मीटर, ये 200 मीटर, हो गया। अब आप ए बी रेखा पर जहाँ पर ये क्रॉस करती है वहाँ से आप नीचे की तरफ समोच्च रेखाएं खींचोगे, मतलब विकर्ण खींचोगे समोच्च रेखाओं को स्पर्श करके।
ये 200 मान की रेखा है तो ये 200 पे जाकर रुकेगी। इसके बाद में इसको देखिएगा, यहाँ 300 मान की रेखा है तो ये 300 पे जाकर रुकेगी। इसके बाद में यहाँ पर 400 मान की रेखा जस्ट थोड़ी दूर है, ये 400 मान की रेखा 400 पे, फिर से 400 मान की रेखा बिल्कुल स्पर्श करती हुई इसके साथ से, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये वापस टर्न होकर 300 वाली रेखा आ चुकी है। 300 वाली रेखा थोड़ी सी इससे नीचे तक यहाँ तक आएंगी, फिर ये 300 के बाद में है 200। स्केल को सीधा रखिएगा, इसमें ये 200 वाली रेखा 200 तक, फिर इसके बाद में ये रिवर आ गई। इसको रिवर को मत लाइन खींचना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फिर ये 200 मान की रेखा, 200 मान की रेखा का विकर्ण गिरेगा 200 पे, फिर 300 मान की रेखा का विकर्ण गिरेगा 300 पे, फिर से ये 300 टर्न होकर यहाँ से आ गई, तो यहाँ उसके बाद में 400 का, सॉरी ये 200 का, ये वापस टर्न होकर 200 की रेखा यहाँ आ चुकी है, तो ये 200 पे। इसके बाद में यहाँ 200 लगातार इसी पे चल रही है, फिर ये 200 के बाद में ये है 300, 300 की रेखा 300 तक। अब आप इसे बनाइएगा, जैसे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से एक बार चलो मिला देते हैं अपने, ऊपर से नीचे की तरफ इसको डाल दिया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठा और ये वापस नीचे की तरफ, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठा, ये नीचे की तरफ और ये वापस ऊपर की तरफ उठा। तो आप देखेंगे कि आपने जो है ये मियांडर बना दिया है। इसको आप दिखाने के लिए थोड़ा डार्क भी कर सकते हो। आप देखेंगे कि ये जो समोच्च रेखाएं हैं, इनके आधार पे हमने जो है इनसाइडेड मियांडर बना दिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जो रिवर है वो किस प्रकार से आ जा रही है, उसमें से यहाँ से रिवर ने जैसे प्रवेश किया, ये देखो यहाँ से रिवर ने निचले क्षेत्रों में प्रवेश किया और फिर ये इसमें से बहकर आई है, तो यहाँ से रिवर ने प्रवेश किया और फिर इसमें से उधर के चलेगी और फिर इधर आ रही है, इधर से गई उस तरफ, उधर से इधर। यानी कि मियांडर में उच्चावचीय क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जिनके बीच रिवर जो है ये चल रही होती है। ये पहाड़ी या ऊंचे क्षेत्र कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें एक बार पुनर्यौवन की अवस्था आती है, जब नदी अपने मैच्योरिटी को प्राप्त कर लेती है उसके बाद में फिर से पुनर्यौवन अगर आता है तो रिवर में मियांडर जैसी, ये इनसाइडेड मियांडर जैसी आकृतियाँ बन जाती हैं। इसमें स्थल आकृति में ये रिवर दोबारा से तीव्रता से चलने लगती है और ये गोल घूम, यानी कि एक सर्पिलाकार मार्ग का अनुसरण करने लगती है, इस तरफ से इस तरफ आ रही है। ये ऊंचा क्षेत्र है, ये ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, तो इसी तरह ये ऊंचा क्षेत्र है, ये ऊंचा क्षेत्र है, इधर से रिवर आ रही है, इधर से जाके उधर को आ रही है, ऐसा अपने को बनाना है। यानी कि समोच्च रेखाओं के द्वारा उच्चावच निरूपण में इनसाइडेड मियांडर का निर्माण करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा, समझ आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।